Hi learners, this is Alisha Mahajan from An Academy. Hope you are doing well. In this lecture video, I'll be covering with you. What I'm going to do is to prepare you all with pricing strategies. बहुत सारी ना pricing strategies होती हैं और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, मैम प्लीज इसके ऊपर ना क्लास बनाओ. So जो pricing strategies हैं ना guys, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चाहे आपके syllabus में सिर्फ skimming है, पीक लोडिंग है, स्टिल एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है. वो कभी भी कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है एंड यू सीरियसली कांट क्वेश्चन इट. आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया. उन्होंने अगर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज लिखी है, इट मींस यू हैव टू नो ईच एंड एवरी इंच ऑफ इट. ठीक है, ईच एंड एवरी इंच ऑफ इट जानने के लिए आपको ये क्लास अटेंड करनी पड़ेगा. ये जो मैं आपको आपका ये यूट्यूब का सेशन है, इसको फुल देखना. ठीक है, सो मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नियर अबाउट 20 प्लस स्ट्रेटजीज तो है ही ना. सो टेंशन नहीं लेनी है, बस देख ही जाना. उसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, लाइक प्राइसिंग स्ट्रेटजी पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, सो दैट आप भी बोर ना हो कि यार हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं लग रहा. सो लेट गेट स्टार्टेड. अब आपको बेस क्लियर हो गया कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, तो हम एक एक करके स्ट्रेटजीज करते हैं. सो फर्स्ट स्ट्रेटजी जो आपकी प्राइसिंग की होती है वो क्या होती है, फुल कॉस्ट. इसे फुल कॉस्ट प्राइसिंग भी बोलते हैं और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, मार्कअप प्राइसिंग एंड एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग. सबसे पहले तो अपनी अपनी कॉपीज पर ये सारे नाम लिख लो. पहला नाम लिख लो फुल कॉस्ट, दूसरा कॉस्ट प्लस, तीसरा मार्कअप, चौथा एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग. ठीक है, लिख लो सभी बच्चे. ठीक है, कहते देखो ये ज्यादातर ना मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स यही यूज करती है ये वाला मेथड. ठीक है, सो हमने यहाँ पर क्या करना होता है, सिंपल. फॉर एग्जांपल मैंने ना ये पेन बनाया है, ये पेन बनाने में ना मेरे को 4 रुपए लगे, इट मींस इट इज कॉल्ड कॉस्ट. अब इसके ऊपर ना मैं डिसाइड करती हूँ कि मेरे को कितना मार्कअप रखना है. मार्कअप मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट रखना है. ठीक है, मतलब पूरी कॉस्ट को कवर करनी करनी है, ऑब्वियसली हमें साथ में अपना बेनिफिट भी चाहिए. फिर भी जो बेनिफिट होता है ना, वो बेनिफिट कहाँ से अराइज होता है, वो बेनिफिट आपको मार्कअप से ही अराइज होता है. मार्कअप मतलब एक्स्ट्रा परसेंटेज. सो फॉर एग्जांपल मैंने सोचा है मैं मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए. सो ये 4 रुपए में जब मैं 10% ऐड कर दूंगी, ठीक है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज मेरा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड. ठीक है, सो आपको क्या याद रखना है, इसमें कॉस्ट लेते हैं और कॉस्ट में कुछ अपना परसेंटेज जितना हमें प्रॉफिट का चाहिए होता है उसे बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड. सो 5566 करके आपको वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपको सारे मेथड्स कवर कराऊंगी. ये है हमारा प्राइसिंग स्ट्रेटजी नंबर 1. नेक्स्ट चलेंगे. अब इसकी ना कुछ लिमिटेशंस है. ये लिमिटेशंस ये है, ये सिर्फ कॉस्ट को ही ध्यान में रखता है. हमने इतनी कॉस्ट रखनी है, इतना ऊपर मार्कअप रखना है. ये नहीं देखा हमने कि यार लोग डिमांड कितने कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट की. सो यहाँ पर कॉस्ट की साइड पर तो ध्यान दिया जाता है, मतलब सप्लाई पर तो ध्यान दिया जाता है, बट डिमांड साइड को इग्नोर कर दिया जाता है. ठीक है, कॉम्पिटिशन का कोई ध्यान नहीं रखना. हमारा मन किया 10% प्रॉफिट ले लो, हमारा मन किया 20% प्रॉफिट ले लो. इट इज बेस्ड ऑन कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम. कन्वेंशनल मतलब बोले तो पुराना टाइप ऑफ सिस्टम है, इसमें कुछ इतना नयापन नहीं. सो दिस इज व्हाट वी कैन से अबाउट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. इतनी एक्सप्लेनेशन आपको सफिशियंट है इस पर्टिकुलर मेथड के लिए. ठीक है, फॉर आगे एग्जाम्पल देनी है तो वो देख सकते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब 10 रुपए लगे, मैंने 200% मार्कअप रखा है. 200% मार्कअप बोले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 रुपए. 10 तो ऑलरेडी कॉस्ट था, 200% मार्कअप रख दिया, तो अब इसका प्राइस कितना हो गया, 30 रुपए. सो दैट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड. ठीक है, आई होप नाउ यू आर परफेक्टली क्लियर विद दिस. ठीक है, अब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड में ना हमारा प्रॉपरली देखो कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. यू कैन वॉच इट आउट. एक्चुअल कॉस्ट जितनी एक्चुअल पड़ी, जैसे हमें 4 रुपए हमने लिखा था, एक्सपेक्टेड
हमें लगे हमें मतलब एक्सपेक्टेड कॉस्ट का क्या मतलब होता है, इट इज लाइक अ फोरकास्ट जो हम पहले से फोरकास्ट कर लेते हैं, लिख सकते हैं फोरकास्टिंग वाली कि हमारी इतनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है, लिख सकते हो आप इसे आज से फॉर एग्जाम्पल 6 महीने तक, 6 months तक मेरे को कितनी कॉस्ट। अभी कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त, आज कौन सी तारीख है, 22 अगस्त, या सो वहां से आगे 6 महीने लिख लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, फेब, फेब 22, ठीक है ना। सो हो गया एक्सपेक्टेड कॉस्ट कि कितना लगेगा। आगे स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है कि जनरली कितनी कॉस्ट लगती है, हमने प्रॉपरली देखा हुआ है स्टैंडर्ड, इससे ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, दैट इज व्हाट वी नो, दैट इज मतलब इट इज लाइक इट शुड बी, जो कि शुड बी वाली, शुड बी वाली। सो टाइप्स ऑफ कॉस्ट आपको ध्यान में रखनी है इसके अंदर जो होती है। नाउ द नेक्स्ट मेथड, ये हमारा आता है मेथड नंबर 2, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, जिसे वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग भी बोलते हैं। अब इस मेथड में हमने फिक्स्ड प्राइस भी लेना है, वेरिएबल कॉस्ट भी लेनी है, दोनों को लेना है, ठीक है, दोनों को लेना है नहीं लेना, ये क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। देखो गाइस, हम यहाँ पर बात ही वेरिएबल की बोल रहे हैं, इट मींस यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट को, ठीक है, इग्नोर करना है, क्योंकि हमने कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में दोनों को लिया था। सो पहला पॉइंट आपने क्या लिखना है, पहले वाले पिछले वाले मेथड में, दैट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में, तो हम सारी की सारी कॉस्ट लेते थे, चाहे वो फिक्स्ड एसेट की हो, फिक्स्ड कॉस्ट होगी ना, लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, फिक्स्ड आना ही आना है, और वेरिएबल क्या होता है, प्रोडक्ट बनाने के टाइम पर जो हमें कॉस्ट लगती है, दोनों लेते थे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड में। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग आ जाए या वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग आ जाए, इसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, ठीक है। फर्म्स आर, इसमें अजम्पशंस ली जाती है दो, पहले वो देखिए, फर्म्स आर एबल टू चार्ज हाई प्राइस इन सम मार्केट एंड लोअर इन अदर, कहते इसमें ना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितना प्राइस चार्ज करना है। हम कई कई जगह पर ज्यादा प्राइस चार्ज कर लेते हैं और कई कई जगह पर कम प्राइस चार्ज कर लेते हैं, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सरकार नहीं बोलेगी आपको इतना ही प्राइस चार्ज करो। सो दो बातें याद रखनी है, इसमें फिक्स कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है और ये दो अजम्पशंस, ठीक है। सो यहाँ पर हम ज्यादातर ये नहीं करते कि हाँ हम फुल कॉस्ट लें, लोएस्ट पॉसिबल प्राइस बनाए, इसमें हमने ज्यादातर क्या करना होता है, वेरिएबल, दैट इज अगर अमीर कस्टमर है तो ज्यादा ठग लो, नॉर्मल है तो उससे कम प्राइस चार्ज कर लो, इस तरीके की यहाँ पर चीजें करी जाती है। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। एडवांटेजेस देख सकते हैं, प्राइस नेवर अनकॉम्पिटिटिव, अग्रेसिव प्राइसिंग पॉलिसी, ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव नहीं होते, कॉम्पिटिशन का भी ध्यान में रखते हैं। यूजफुल ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, लाइफ साइकिल मतलब इनिशियल स्टेज हो चाहे, ठीक है, सारे स्टेजेस हो, डिक्लाइनिंग स्टेज, पीक स्टेज, जो मर्जी हो, ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो चार स्टेजेस होते हैं बेसिकली, कहते हैं मोर यूजफुल देन फुल, यहाँ पर तो हम मिनिमम प्राइस चार्ज करते थे, यहाँ पर कहते हैं नहीं, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिसिटीज होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग हमें प्राइस चार्ज करना चाहिए। सो ये बात बताई गई है इसके अंदर, कौन सा मेथड हमारा, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है, अंडर दिस मेथड। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस एज वेल। लिमिटेशंस, कहते प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई किया जा सकते क्योंकि फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं, कंपटीशन बहुत सारा है, तो हाई कहाँ से चार्ज कर लोगे, लोग तो भाग जाएंगे। ओवरहेड कॉस्ट कवर्ड नहीं की जाती जनरली जब हम कंपटीशन को भी ध्यान में रखेंगे। The next method that you are watching in your screen is rate of return pricing. अब rate of return pricing का मतलब क्या है? Rate of return आप करते हो ना कि आपको कितना आपने plan करा है कि आपको इतना profit चाहिए, ठीक है? So आप अपने objective set करते हैं पहले कि आपको इतना rate of return चाहिए। So इसके तीन तरीके भी होते हैं। देखो, पहला टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट कि कितनी कॉस्ट लगे और कितना हमें प्रॉफिट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। दूसरा देखे टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स, एंड तीसरा देखे टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल
कैपिटल। अब इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो पहले तो सबसे पहले अपने अपनी कॉपीज पर ये तीनों के तीनों वेज लिख लीजिए, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। लिख लो अपने अपनी कॉपीज पर। अब देखो, अब ना एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप कंसीडर कर लीजिए। लेट सपोज 100 यूनिट्स है टोटल, ठीक है। एक अजम्पशन ले लीजिए 100 यूनिट्स है और प्राइस सेट कर लिया हमने 30 पर यूनिट, मतलब ठीक है इतने पर हमने सेल करना। वेरिएबल कॉस्ट लिख लीजिए 1800 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट लिख लीजिए 200 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट 1800, फिक्स्ड कॉस्ट 200 रुपए। अब आपने क्या करना है, आपका काम क्या है अभी मेरे को ये सॉल्व करके बताओ तीनों तीनों तरीके से कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। एंड फिक्स्ड एसेट एम्प्लॉयड भी गिवन है 1500, तभी तो आप टोटल ये तीनों मेथड से निकालना आपको आएगा ना, क्योंकि पेपर में इसी तरीके का प्रैक्टिकल भी आ सकता है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ इट, समझ रहे हो। सारी की सारी हम डिटेल इसमें करेंगे सो दैट आपको क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहला मेथड। पहला मेथड हमारा क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टोटल सेल्स कितनी है। टोटल सेल्स लिखिए 100 मल्टीप्लाई बाय 30। 3000 टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी हो गई 1800 प्लस 200 जो लिखा है, और टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 3000 में से 2000 माइनस कर दो। अब आपको कॉस्ट भी पता लग गई, सेल्स भी पता लग गई, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। ट्राई कीजिए आंसर निकालने का, मैं इसीलिए खुद लिखवा रही हूँ आपको सो दैट आपको क्लैरिटी हो कि कैसे करना है इस सम को सॉल्व, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा पेन काम नहीं कर रहा है तो आपको मैं ऐसे करवाती हूँ थोड़ा सा ये यूज करके। या सो लिखिए गाइस 100 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आ गया टोटल प्रॉफिट, सॉरी 1000 आ जाएगा ना, 1000 अपॉन 2000, 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, सो ये प्रॉफिट वाला फर्स्ट केस आ गया। ये देख सकते हैं, सो 50% आ जाएगा। अब ये था कॉस्ट, कॉस्ट जब हमने लेने, प्रॉफिट तो 1000 आई आपको पता ही है। अब फिर से प्रॉफिट आपका 1000 आ जाएगा नीचे टोटल सेल्स, टोटल सेल्स अभी आपको करवाई 3000, सो ओवर में आ जाएगा ये 2000 की जगह 3000। और लास्ट में कैपिटल, कैपिटल हमने अभी निकाली 1500, ठीक है। फिक्स्ड एसेट एम्प्लॉयड बताया था ना आपको 1500 है, तो 1500 अपॉन 1000 अपॉन 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे आपका पहले केस में आ जाएगा 50%, दूसरे में 33, तीसरे में 66.7%, ठीक है। सो इन मेथड्स को आप पिटाइज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आपको मैं और मेथड्स एक्सप्लेन करूंगी। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्राइसिंग टेक्निक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।